इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जैसे माशरे में ख्वातीन का लिबास मर्दों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तानी मर्द कोई रोबोट नहीं है। अगर ख्वातीन कम कपड़े पहनेंगी तो उसके नताइज होंगे। पाकिस्तान में कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं है। अगर ख्वातीन मर्दों को उकसाएंगी और अगर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो फिर उसके नताइज यानी रेप के वाकयात जरूर होंगे। नाजरीन, ये अल्फाज और ये सोच किसी आमियाना मर्द की नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की है। बतौर एक खातून मैं अपने वजीर आजम के ऐसे ख्याल मुसलसल दूसरी बार सुनकर सख्ते में आ गई हूं। वजीर आजम के ओहदे पर यह कौन शख्स बराजमान है, यह कौन शख्स बराजमान है जो मौशरे के सबसे संगीन जुर्म और उसे सरजद करने वाले जिनसी भेड़ियों को जस्टिफाई करने से बाज नहीं आ रहे। क्या इमरान खान एक बार फिर विक्टिम ब्लेमिंग के जरिए अपने साथी मर्दों को खुल्लम खुल्ला एनआरओ देकर छूट नहीं दे रहे कि जाइए और खवातीन के लिबास को भोंडा बहाना बनाकर जो चाहे करते फिरे। क्या इमरान खान वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रेप के बढ़ते वाकयात की वजह वो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड मर्द हैं जिनको खवातीन के उकसाए जाने, जी हां उकसाए जाने के बाद जब कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं मिलता तो वो बच्चियों, बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या इमरान खान कौम को यह तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई बूढ़ा मुफ्ती अपने मदरसे में बैठकर एक जवान स्टूडेंट के साथ बदफेली करता पकड़ा जाता है तो उसके पीछे भी खवातीन का लिबास है। जो मौलवी शादीशुदा होने के बावजूद अपने जिंसी भड़ास निकालने के लिए एक नौजवान लड़के का इंतखाब करता है तो यकीन मानिए, जी हां यकीन मानिए, इसके पीछे खवातीन के मॉडर्न लिबास का कोई लेना देना नहीं है। यह सरासर ऐसे मुजरिमों के जहन में भरा हुआ वो गंध है जिसे साफ करने की अशद जरूरत है। बतौर वजीर आजम ऐसे इकदामात की जरूरत है जिससे इस मौशरे को बेहतर बनाया जा सके, वरना आपको कोई हक नहीं, जी हां आपको कोई हक नहीं कि आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए खवातीन के लिबास पर कमेंट्स करते फिरें और अपने मुल्क की खवातीन को मुर्दे इल्जाम ठहराएं। अस्सलाम वालेकुम। इन ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारे गुस्से और ढेर सारे सवालात के साथ मैं आज के शो का आगाज करूंगी। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनिश सलीम के साथ। आज का शो हम दो हिस्सों में करेंगे। प्रोग्राम के एक हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे जी आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उनसे हम बिल्कुल बात करेंगे। हम उनसे बिल्कुल फॉरन मिनिस्टर साहब का जो लेटेस्ट बयान आया है उसामा बिन लादेन के हवाले से, जो एक्चुअली कोई बयान नहीं आया, उस पर हम बात करेंगे। हम उस पर यह भी बात उनसे करेंगे कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से बिल्कुल मना कर दिया है, एब्सोल्युटली नॉट, और ये ट्रेंड भी कर रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो कि हमें ऑपोजिशन से ज्वाइन कर रहे हैं वन ऑफ द फेमस मैन मियां जावेद लतीफ साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, हम उनसे पहले एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, उनका मौकफ जानेंगे, ऑपोजिशन का मौकफ जानेंगे, PMLN का मौकफ जानेंगे और फिर हम हुकूमत की तरफ बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे ऑपोजिशन के हवाले से भी और इन तमाम बातों के हवाले से भी। तो मियां जावेद लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आज़ादी मुबारक हो। पता नहीं कितने दिन की आज़ादी है, सबसे पहले तो मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए सर, और सब बातों पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ से आगाज़ कीजिए जावेद साहब कि क्या आप ये समझते हैं कि वजीर आजम का जो नया बयान आया है खवातीन के लिबास को लेकर के, क्या आप नहीं समझते कि बतौर वजीर आजम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंडर द कार्पेट कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए हैं कि भाई रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद खवातीन ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहन रही। बिनश, बड़े अफसोस से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बदकिस्मती है इस रियासत की कि वो शख्स आज इस रियासत की हुक्मरानी पर मसल्लत है जिसको अपनी अल्फाज के चुनाव और अपनी गुफ्तगू पर कोई हासिल नहीं है कि उसको वो किसी बात किसी अल्फाज का चुनाव करते वक्त वो सोच सके कि इससे किसका किसी का दिल न दुख जाए
या मैं कोई बतौर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसके असरात पाकिस्तान के दाखिली खारजी और पाकिस्तानी माशरा पर क्या पड़ेंगे? आप ये देखें जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो बयान दिया है, ये उन्हीं बयानों की तरह है या उस उन्हीं मौक़ की तरह है जो क्लैरिटी नहीं है उनके किसी मौक़ में। कभी वो मुतासर हो जाते हैं चाइना से, कभी वो अमेरिका से, कभी किसी और जगह से, और पाकिस्तान में आकर दुनिया की मिसालें देते हैं। आज पाकिस्तान को रियासते मदीना बनाने की जब बातें की जाती हैं, तो आप देखें कोई चीज़ की किसी चीज़ की मुताबकत के कोई चीज़ मिलती है, कोई इसकी चीज़ का कोई तसलसल है इनकी गुफ्तगू में, इनका अपना जेन को क्लियर है कोई? आप ये देखें कि जब इस्लामाबाद में इन्होंने धरना दिया, तो मुझे याद है वो अल्फाज के कंटेनर पर चढ़कर खान साहब फरमाया करते थे कि अगर ये सिलसिला कंटेन वो धरनों वाला ख़त्म हो गया तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी। आप इसकी इस शख्स की सोच का अंदाज़ा आप कर लें। और जो कुछ मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ना मेरी कोई ऐसी सोच अप्रोच है, वहाँ जो जाती थी वो कौम की माएँ बहनें बेटियाँ थी, भले उनका किसी जमात से तल्लक हो मगर इस कौम की माएँ बहनें बेटियाँ थी। मगर वहाँ जो कुछ लोगों ने देखा और जो कुछ उसके बाद बातें हुई वो भी सबके सामने है। तो खान साहब का अपना माइंडसेट जो है वो तो ये है कि वो कहते हैं रात को मुझे नींद कैसे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्हें कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आजकल वो ऐसे अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं कि आप विश्वास मानिए कि लोग मतलब वर्ल्ड मीडिया में जो भी उनका इंटरव्यू ले रहा है उसके बाद अच्छी खासी कंट्रोवर्सी आ रही है। तो हाल ही में उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें महिलाओं के कपड़े को लेकर बयान दिया, और जो मर्द है उसको उसकी तुलना रोबोट से की कि कोई वो रोबोट नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे थे कि कोई वो रोबोट नहीं है, अगर रोबोट होगा तो वो अपने आप पर काबू पा लेगा। मतलब इस तरीके की सोच है, मतलब रोबोट नहीं होता तो उसका मतलब हथियार खड़ा हो जाता, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। तो दोस्तों जवानी में इन्होंने सारे अपने एस पूरे किए हैं, ये इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड से रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में इनकी डिग्री का जो मतलब पाकिस्तान में बोला जाता है कि ये बिल्कुल थर्ड डिवीज़न से पास हुए, मतलब 33% में अगर पास होते हैं तो ये 35% लाकर पास हुए हैं। बेसिकली अब डेफिनेटली जो स्पोर्ट वगैरह में जाता है तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता है, ग्रेजुएशन ही हो गया तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों इनका फुल एन्जॉयमेंट रहा, इनकी ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं लड़कियों के साथ बिकिनी में, और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ कई विदेशी लड़कियों के साथ इनके संबंध रहे हैं, और ये खुद मतलब इनको ये बोल चुके कि वो मेरा पास्ट रहा है। मतलब ये पास्ट रहा है, अब अपना पास्ट आपने एंजॉय कर लिया, अब कोई लौंडा आज का वो अपना अपना वर्तमान एंजॉय करने के चक्कर में तो आप ये और वो बातें करने लगे हो। मतलब दोस्तों खुद की इनकी तीन शादियाँ हुई हैं, अभी एक कोई तीन ही हुई है, हाँ तीन ही हुई है, और यहूदी लड़की से इन्होंने जो शादी की है उसके साथ इनके बच्चे हैं। और आप समझ सकते हो दोस्तों, और अगर इनकी खुद की बच्ची हो अगर वो किसी काफिर से शादी करे तो वो फिर उससे कहो ताल्लुक ही ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये अब इमरान खान का जो बयान है उस पर आपका क्या कमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखें। रेप को लेकर जो बयान है कि कपड़े वगैरह और ये और वो, आपको भी पता है दोस्तों कि रेप का अगर कपड़े से लेना देना होता तो फिर तो जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ तो मतलब इतने रेप होने चाहिए कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे तो मतलब कई गुना उनकी तादाद होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, रेप का कपड़ों से नहीं लेना देना है कुछ भी। अगर रेप का कपड़ों से लेना देना होता तो फिर तो डेफिनेटली यूरोपियन कंट्री वगैरह में रेप के अंबार लग जाते, और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ पर आपको भी पता है रेप एक बहुत ही मतलब एक कॉमन सी चीज़ बन गई है जो होती ही है। और उसके बाद कई बार लड़कियों को ही दोष दिया जाता है कि कपड़े ऐसे पहनती हैं, रात को निकलती हैं, ये है वो है, मतलब जो कमज़ोर रहता है उस पर भारी जो मर्द है उसकी गलती का कोई मतलब दोष नहीं दिया जाता है। और आपको भी पता है कि यहाँ पर रेप होते हैं, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा सॉल्यूशन है रेप को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना सॉल्यूशन ज़रूर बताएं कि हम रेप को कैसे रोक सकते हैं। जो ये कपड़े और ये पर्दा करना, बुरखा पहनना, ये इन चीज़ों से अगर रेप रुकते होते तो फिर तो आपको भी पता कि ये चीज़ें तो कितने सालों से हैं, रेप रुक ही जाते।
तो दोस्तों इसका अब इन मैडम ने तो ये भी बोला है, आपको भी पता, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि पाकिस्तान के मदरसे में एक बच्चा मर्द, मतलब बच्चा मेल, उसका रेप हो गया। वो बेचारा, उसने उसका वीडियो वायरल हो गया तो मौलाना फंस गया, उसके मौलाना के सपोर्ट में पाकिस्तान में लोग खड़े हो गए। मर्द सुरक्षित नहीं है तो फिर तो मर्द क्या कपड़े पहने, मर्द भी कपड़े पहने लगे, वो भी मतलब ऐसा पर्दा करने लगे, तो ये चीज़ें। तो दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप इस पर अपने कमेंट जरूर लिखें। इमरान खान के बयान को लेकर आप अपनी राय लिखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।